अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर टू, जिसका हम पार्ट नंबर वन जो है वो आज ऑलमोस्ट सेटिस्फाई करेंगे एंड क्लियर करेंगे, जिसमें मोबाइल कम्युनिकेशन और उसकी प्रोपिगेशन के बारे में डिस्कशन होगी। क्योंकि हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन एक वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो वायरलेस में जो सिग्नल्स क्रिएट होते हैं और उन सिग्नल्स की फिर बाद में प्रोपिगेशन, उनको प्रोपिगेट कैसे किया जाता है, फर्दर उनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है एंड देन रिसीविंग कैसे होती है, इसको डिटेल में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास कंटेंट इसमें शामिल है, उसमें सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके जरिए से हमने अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है, एंड देन सिग्नल्स क्या हैं और उन सिग्नल्स की प्रोपिगेशन क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या चीज़ है और सेलुलर सिस्टम क्या चीज़ है, इनको हम अपने इस लेक्चर में गो थ्रू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन में जो एवोल्यूशन हुई है, जिस तरह से एक मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो 1982 में फर्स्ट एक रेडियो सिस्टम से स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वो एक स्मार्टफोन में चेंज हुआ टिल 2014 एंड नाउ 2020। व्हाट कमिंग अप नेक्स्ट, कौन कौन सी चीज़ें एडवांस आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें बिल्ट हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें जो है वो मजीद इन्हांस्ड हो रही हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें प्रोग्रेस चल रही है थ्रू इन अ वायरलेस कम्युनिकेशन एंड इन मोबाइल कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है और उसमें क्या चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हम अपने वायरलेस कम्युनिकेशन के जो सिग्नल्स हैं उनको कैरी करके फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर सेंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मैग्नेटिक फील्ड और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इनकी प्रोपेगेशन दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी और जो इनकी डायरेक्शन होगी ये उन डायरेक्शन के भी अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह से इसमें रेड लाइंस हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, ब्लू एरो से रिप्रेजेंट हो रही है, और ये जो एरो है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है कि आपकी वेव जो है वो ट्रांसमिट किस तरफ हो रही है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट, कि जितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है उस हिसाब से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है। तो ये फॉर्मूला है एक वेवलेंथ का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वेवलेंथ का, जिसमें सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्पीड ऑफ लाइट है, मीन्स के आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करती है। इतनी फास्ट स्पीड के साथ वर्ल्ड में, यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ऑन स्पीड ऑफ लाइट मूव करती है, स्पीड ऑफ लाइट ट्रांसमिशन करती है, ताकि इन अ फार अवे आप अपने सिग्नल्स को कैरी करके जो है वो सेंड कर सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको नोहा होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, विदाउट एनी मीडियम ये मूव करती हैं और इनकी फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से ये ज़्यादा एनर्जी कैरी करती हैं और मैक्सिमम एनर्जी कैरी करने की वजह से ये फार अवे सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकती हैं एंड रिसीव कर सकती हैं। सो दे बीइंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ट्रांसवर्स वेव भी होती हैं, जिस तरह से आपको शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बीइंग ए परपेंडिकुलर मेंशन किया गया है, सेम एज इट इज़ आपके पास ट्रांसवर्स वेव भी, जिनकी प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो है वो परपेंडिकुलर होती है टू द वाइब्रेशन ऑफ वेव्स और ऑसिलेशन ऑफ द वेव्स विच कैरिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव। अगर आपके पास किसी भी सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी कम है और उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इट्स मीन के इट्स अ वीकर सिग्नल। तो इसके अपोजिट अगर आप हायर फ्रिक्वेंसी और स्मॉलर वेवलेंथ की बात करें तो इट कैन कैरी बी फार अवे फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द सेंडर। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप कोई ऐसे सिग्नल जिन पर आप इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और ट्रांसमीटर से सेंडर तक उसको पहुंचाते हैं और सेंडर से ट्रांसमीटर तक सेंड करते हैं, तो इस तरह से आप जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी का इंतखाब करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी चूज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ट्रांसमिशन जो है वो क्लियर हो सके और उसमें कोई ऐसी डिस्टॉर्शन ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो जिसकी वजह से आपके सिग्नल्स इंटरप्ट हो सके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेस्ट एग्जांपल फॉर कैरिंग अ सिग्नल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। इसके
उसके बाद हमारे पास सिग्नल्स आ जाते हैं। सिग्नल्स एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है जिसको हम फंक्शन के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं, देयर टाइम एंड लोकेशन, कि उसकी लोकेशन क्या है और उसकी टाइम क्या है। सिग्नल्स के अपने पैरामीटर हैं, वो पैरामीटर रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू ऑफ डाटा को, कि जो डाटा आप जो है वो किसी भी एक स्पेसिफिक सिग्नल के अकॉर्डिंग फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर सेंड कर रहे हैं एंड देन रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है, तो वो उसके सिग्नल्स के पैरामीटर होंगे कि उसमें कौन सा डाटा आपने जो है वो फॉरवर्ड करना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सिग्नल्स आपके पास जो है वो दो किस्म के, एक आपके पास एनालॉग है और एक आपके पास डिजिटल है। एक जो कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स होते हैं उनको हम एनालॉग सिग्नल्स रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं उनको हम एज एन डिजिटल सिग्नल्स प्रेजेंट करते हैं। कॉन्टीन्यूस या एनालॉग सिग्नल्स में आपके पास एक कॉन्टीन्यूस वैल्यूज होती हैं, कॉन्टीन्यूसली एक वैल्यू जो है वो टाइम टू टाइम वेरी कर रही होती है। बट इन अ डिस्क्रीट सिग्नल आपके पास इंडिविजुअल, हर टाइम के ऊपर एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव सिग्नल डाटा होगा जो कि डिस्क्रीटली आइडेंटिफाई होगा बाकी तमाम डाटा से, तो ये चीज इसमें जरूरी है। बाकी सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन के आपका कोई भी सिग्नल है, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है, विद टाइम कैसे वेरी कर रहा है, कि आपके पास एक पीरियड है टी और जिसको हम फ्रिक्वेंसी के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं 1/T एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज बीइंग ए, फेज शिफ्ट इज फाई। तो अगर आपके पास एक खास स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की कोई सिग्नल्स हैं और उनका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जो कि हम फ्रिक्वेंसी से इस तरह 1/T से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो उसकी एक पीरियोडिसिटी है, वो पीरियोडिकली वो सिग्नल्स जो है मूव हो रहे होते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इन अ मैथमेटिकल फॉर्म, एक पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बेस्ट साइन वेव होती है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जैसे आपके पास एक साइन वेव आ रही है जो कि सिग्नल को कैरी कर रही है, पीरियोडिक सिग्नल को कैरी कर रही है, जिसमें खास टाइम के बाद, एक खास पीरियड के बाद आपके पास सिग्नल जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, और उनकी एक रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी है जो कि इसमें मेंशन की हुई है। तो एक खास टाइम रिक्वायर्ड होगा हर सिग्नल के लिए, जब उस टाइम के बाद वो रिपीट हो रहा होगा इट्स मीन इट्स अ पीरियोडिक सिग्नल, और उसको फिर इस तरह साइन वेव के फंक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव अ फोरियर रिप्रेजेंटेशन, अ फोरियर ट्रांसफॉर्म, अ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिग्नल। हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं साइन वेव को, साइन वेव हमारे पास एक स्पेशल इंटरेस्ट रखता है किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन जो फोरियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल है उसमें आप बोथ साइन और कोसाइन दोनों सिग्नल्स को पीरियोडिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पीरियोडिकली मींस कि आपके पास जैसे ये साइन नज़र आ रहा है तो इसमें ये हर टाइम शिफ्ट के बाद बार बार अपने वेव को रिपीट करेगा, एंड देन वो रिपीटेडली वेव जो है वो आगे जनरेट होगी, एंड दिस सिग्नल्स विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर विद अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड टू रीच एट अ एंड पॉइंट वेयर द इंफॉर्मेशन इज नीडेड और वेयर द डाटा इज नीडेड। ये इसकी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें थोड़ी सी इस रिप्रेजेंटेशन में एलोबरेट कर दूँ आपको कि इसमें आपको ये डिफरेंट जो है वो वेव नज़र आ रही हैं, साइन वेव्स और कोसाइन वेव्स हैं जो कि पीरियोडिकली मूव कर रही हैं, एंड ऑल द साइन वेव्स, समिशन ऑफ ऑल द साइन वेव्स विद देयर स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड एंड समिशन ऑफ ऑल द कोसाइन वेव्स विद देयर स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड ऑफ bn इज रिप्रेजेंटेड एज दैट। और c जो है वो आपको dc डायरेक्ट करंट के जरिए से रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मीन्स कि कोई भी एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सिग्नल्स कैरी कर रही है थ्रू देयर एंटेनास एंड शिफ्ट ऑन कर रही है फ्रॉम वन सेंडर एंटेना टू द रिसीवर एंटेना, तो उसके अंदर जो है वो डीसी करंट रिक्वायर्ड होगा जिसके जरिए से सिग्नल्स जो है वो फॉरवर्ड होंगे एंड देन रिसीव होंगे। वी हैव अ सिग्नल रिप्रेजेंटेशन, हमारे पास सिग्नल रिप्रेजेंटेशन तीन किस्म की है, एक टाइम डोमेन में है, फ्रिक्वेंसी डोमेन में है एंड फेज डोमेन में। टाइम डोमेन में आपके पास एम्पलीट्यूड डोमेन होगा, एम्पलीट्यूड वाइज जो है वो इस तरह से ये डाटा जो आपको फर्स्ट फिगर में नजर आ रहा है डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है आपके पास सिग्नल्स के जरिए से, तो ये चीज़ आपके सामने आएगी। फ्रिक्वेंसी डोमेन में आपके पास इस तरह से एक डिस्क्रीट आइसोलेटेड पीक होगी वैल्यूज हर एक सिग्नल की जो कि रिप्रेजेंट हो रही होगी इस तरह इस सेकेंड फिगर के अंदर। और फेज डोमेन में आपके पास हर एक का एक फेज एंगल डिफाइन होगा, वो किस फेज में लाई करता है सिग्नल्स, वो फाइव वैल्यू जो है वो आपको आइडेंटिफाई करके बताएगी, जिसमें एम जो है वो बीइंग एन एम्पलीट्यूड एक्ट हो रहा होगा, कितने एम्पलीट्यूड का सिग्नल है वो किस तरह से किस फेज में डिफाइन हो रहा है, तो ये इस तरह से एक फेज डोमेन में आपके पास सिग्नल आइडेंटिफाई हो रहा होगा। आफ्टर दैट वी कैन एलिबरेट एज टाइम डोमेन एज सिंपली विद देयर स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड, उसकी एम्पलीट्यूड
और इसकी ये खास किस्म की सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से ये फॉरवर्ड हो रहा है, एंड दिस फाई रिप्रेजेंट द फेज शिफ्ट कि किस तरह सिग्नल जो है वो सेंडर रिसीवर तक फेज शिफ्ट के जरिए से अपने आपको आइडेंटिफाई कर रहा है किस तरह से सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होगा। इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन आ जाता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है वो आपको एक फ्रीक्वेंसी खास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रम्स के अमंग सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करेगा कि किस स्पेक्ट्रम में आपका कौन सी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो है वो लाई कर रहा है, और ये आइडेंटिफाई हो रहा होता है कि ये एक स्पेसिफिक पीक के जरिए से, जिस तरह ये आपको सामने पीक नजर आ रही है एक सिग्नल की जो कि किसी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को आइडेंटिफाई कर रही है, जिसका एक एम्पलीट्यूड है खास जिस एम्पलीट्यूड पे और एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस के आइडेंटिफाई करिए कि इस एक्स एक्सिस के ऊपर इतने एम्पलीट्यूड का सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो इस तरह आपके पास डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रिक्वेंसीज आ जाती हैं जिसमें आप सेलेक्टिव स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी जो है वो चूज करके अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं अलॉन्ग द फ्रिक्वेंसी डोमेन। इसके बाद आपके पास जो लास्ट वन है फेज डोमेन। फेज डोमेन में आप जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने सिग्नल को इन अ फेज स्टेट कि आपके पास आइदर जो फाई एंगल है वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि आपका सिग्नल कौन से फेज में लाई कर रहा है, इस फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज, किस फेज में उसको लाई कर रहा है, डिपेंड अपॉन द फेज शिफ्ट एंगल दिस फाई, कि हमें ये आइडेंटिफाई करेगा कि हमारा सिग्नल जो है वो कौन से उसमें लाई कर रहा है। अगर वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो इट्स मीन कि हमारा फेज जो है वो जीरो है, और इफ इट इज बिटवीन जीरो और 90 इट्स मीन कि हमारा फर्स्ट फेज है, इन फेज वन में हमारा जो है वो सिग्नल लाई कर रहा है, और अगर वो इन बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री है तो इट्स मीन कि आवर फेज इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड फेज में हमारा जो है वो सिग्नल आइडेंटिफाई हो रहा है। तो इस तरह से ऑल फेजेस थर्ड एंड फोर्थ हमारा सिग्नल जो है वो आइडेंटिफाई हो रहा होता है कि फेज डोमेन में किस तरह से जो है वो सिग्नल मूव ऑन होगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। इसके बाद आपके पास आ जाती है प्रोपेगेशन ऑफ वेव। प्रोपेगेशन ऑफ वेव की तीन रेंजेस हैं। इन तीन रेंजेस में आपकी प्रोपेगेशन ऑफ वेव लाई कर रही होती है, मतलब डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से आपकी इन तीन लेयर्स की या तीन रेंजेस की एक वैल्यू आइडेंटिफाई होती है। इसमें सबसे पहले आपका जो मिडिल पोर्शन है, ये जो मिडिल एक स्पेसिफिक रेडियाई का सर्कल बना हुआ है, ये है ट्रांसमिशन रेंज। ट्रांसमिशन रेंज जो है वो सबसे ड्यूरेबल रेंज है जिसमें आप सेंडर कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट करता है तो रिसीवर इजीली उसको विदाउट एनी एरर सिग्नल्स को रिसीव कर लेता है, एंड देन वही रिसीवर दोबारा से सेंडर को बीइंग ए सेंडर बनकर सेंडर को जो है वो सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ इस रेंज के अंदर, ट्रांसमिशन रेंज के अंदर जो है वो सिग्नल्स की कैरिंग, सिग्नल्स की ट्रांसमिशन ईजी होती है बजाय अदर रेंजेस के, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई एरर रेट नहीं मिलता, किसी किस्म की कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं इसके अंदर शामिल होती। तो जिस तरह ही हम ट्रांसमिशन रेंज से आगे मूव करते हैं डिटेक्शन रेंज के अंदर, तो डिटेक्शन रेंज के अंदर हमारे पास थोड़ा हाई रेट हो जाता है एरर का, वहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड डिस्टॉर्शन जो है या बैकग्राउंड नॉइस जो है वो ऐड होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सिग्नल्स तो ट्रांसमिट हो जाते हैं लेकिन प्रॉब्लम होती है वॉइस में, इशू हो जाता है या ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम हो जाती है, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, सिग्नल पहुंच जाते हैं सेंडर से रिसीवर तक लेकिन उसमें इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, कुछ हर्डल्स आना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंचते। इसके बाद लास्ट वन हमारे पास इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस जैसे नाम से ही जाहिर है कि आपके पास इस रेंज के अंदर डिफरेंट सिग्नल्स जो कि एक सेंडर, सिंगल सेंडर जो है यहाँ से रिसीवर तक सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसके अलावा इस रेंज के अंदर और भी बहुत से ऐसे सेंडर हैं जो कि अपने सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंटरफेरेंस होगी, और इंटरफेरेंस की वजह से आपका बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज शामिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सिग्नल्स की डिटेक्शन भी मुमकिन नहीं होगी कि ये कौन से, किस सेंडर से आ रहा है और किस रिसीवर तक जा रहा है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंटरफेरेंस में सिग्नल्स की, कि आपके सिग्नल्स ठीक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो रहे होते और ना ही आपको प्रॉपर जो है वो उसकी सिग्नल्स की ट्रांसमिशन प्रोवाइड हो रही होती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो ऑकवर्ड स्पेस है एक सिग्नल ट्रांसमिशन के अंदर, इंटरफेरेंस के, जहाँ आपके पास और बहुत से सिग्नल्स मौजूद हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी डिस्टॉर्शन हो जाती है और आप तक सिग्नल्स प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाते हैं। प्रोपेगेशन जो है वो आपके पास कभी किसी किसी जगह पर भी मौजूद हो इन द एनवायरनमेंट, तो आपको हर्डल्स फील होंगे विदाउट, अगर आपके पास, अगर आप स्पेस में हैं तो वहाँ पर आपको कोई हर्डल
जो है वो नहीं होगा, वहां पर आप बिल्कुल फ्री होंगे, आप किसी तरीके से भी अपने सिग्नल्स को आराम से ट्रांसमिट कर सकते हैं। बट अदर देन स्पेस, अगर आप हैं तो स्पेस के अलावा आपकी ट्रांसमिशन की पावर इतनी होनी चाहिए कि वो रिसीवर से ग्रेटर देन हो और इजीली रिसीवर उस पावर को कैरी करके आपके सिग्नल्स, जो ट्रांसमिटेड सिग्नल्स हैं, उन डाटा को रिसीव कर सके। तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपके जो, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन के दौरान आपकी जो ट्रांसमिशन पावर है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और बजाय रिसीविंग पावर के। अगर रिसीविंग पावर आपकी इतनी नहीं भी है, लेकिन आपकी ट्रांसमिशन पावर इतनी पावरफुल होनी चाहिए जिसमें डाटा इजीली जो है वो सेंडर से रिसीवर तक सेंड हो सके। इसके एक छोटा सा फार्मूला आपके पास सामने रिप्रेजेंट किया गया है 1/d² का, कि जो रिसीविंग पावर है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/, या इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इनवर्स रिलेशन में है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जितना आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा सेंडर रिसीवर के दरम्यान में, उतना आपको प्रॉब्लम होगी, उतना आपको जो है वो आपकी कम पावर जो है वो आपको प्रोपोर्शन होगी उसमें रिसीवर की। जितना आपका डिस्टेंस कम होगा उतनी आपकी रिसीविंग की पावर भी ज़्यादा होगी, आपको इजीली जो है वो ट्रांसमिटेड डाटा या ट्रांसमिटेड सिग्नल जो है वो रिसीव हो जाएंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू द इनवर्स लॉ 1/d² आप अपने रिसीविंग पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें फिर आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक फ्री स्पेस लॉ और पाथ लॉस और अटेन्यूएशन। कि आपके पास अगर दो सेंडर और रिसीवर हैं, उनके दरम्यान में कोई सिग्नल्स कैरी कर रहे हैं, तो उनकी ट्रांसमिशन में अगर कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि आपके उन ट्रांसमिशन को रोकती है या उसमें कोई हर्डल्स क्रिएट करती है, तो फिर आपके सिग्नल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से सेंडर से रिसीवर तक सेंड नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से आपका पाथ लॉस हो जाता है। क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन में ऑल राउंड किसी सेंडर से सिग्नल रिसीव हो रहे होते हैं। वायर कम्युनिकेशन में एक स्ट्रेट पाथ आपको डिसाइडेड होता है कि आपने इस पाथ के अलॉन्ग यहाँ से डाटा मूव ऑन करना है, जब तक उस पाथ में कोई डैमेज नहीं होता या कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इशू नहीं होती। लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन में ऑल राउंड आपके पास सिग्नल जो है वो मूव ऑन हो रहे होते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, तो उसमें फिर ये भी मुमकिन होता है कि आपके पास बहुत से ऐसे हर्डल्स आएँ जिसकी वजह से आपका पाथ जो है वो लॉस हो जाए, प्रॉपर पाथ मेंटेन नहीं होता इसके अंदर वायरलेस कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम पाथ लॉस होता है, मैक्सिमम फ्री लॉस होता है, और अटेन्यूएशन भी आपके सिग्नल्स में क्रिएट होती है। तो फ्री स्पेस जो है वो, फ्री स्पेस में रेडियो सिग्नल जो है प्रोपेगेट कहते हैं एज ए लाइट, जैसे रोशनी मूव करती है फ्री स्पेस में, जैसे लाइट मूव करती है, जब आप लाइट के सामने कोई हर्डल नहीं रखते हैं तो लाइट जो है वो गो थ्रू हो रही होती है किसी भी पाथ के अलॉन्ग, इसी तरह रेडियो सिग्नल्स भी फ्री स्पेस के अंदर विदाउट एनी हर्डल पास ऑन हो रहे होते हैं, ट्रांसमिट हो रहे होते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अगर आप लाइट के सामने भी कोई हर्डल रख देते हैं, लाइट के सामने भी कोई आपके पास ब्लॉक आ जाता है, तो फिर जो लाइट है वो आपके पास आगे ट्रांसमिट नहीं होती है। सिमिलरली इसी तरह रेडियो वेव में भी अगर कोई हर्डल्स आ जाते हैं, उनके पाथ में कोई प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से उनका पाथ लॉस हो जाता है, तो आपके सिग्नल्स जो हैं वो आगे फॉरवर्ड नहीं होते हैं। पीछे मैंने ये फार्मूला आपके सामने डिस्कस कर दिया, PR फॉर रिसीवर पावर और रिसीव पावर, जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन है 1/d², और डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर है। अकॉर्डिंग टू द इनवर्स लॉ, जितनी ज़्यादा आपके सेंडर और रिसीवर में डिस्टेंस होगा, उतनी ज़्यादा उतना कम आपके पास जो है वो रिसीविंग पावर होगी, और जितना सेंडर और रिसीवर के दरम्यान में डिस्टेंस कम होगा, इट्स मीन कि आपकी रिसीविंग पावर भी उतनी ज़्यादा है। तो इसमें हम ये इनवर्स रिलेशन जो है वो पावर रिसीव पावर का अप्लाई करते हैं थ्रू इनवर्स लॉ। अब जैसे किसी कोई भी मैटर आपके उसमें सेंडर और रिसीवर के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर आपके और भी ऐसे बहुत से एडिशनल पैरामीटर्स हैं जो कि अप्लाई हो रहे होते हैं। जैसे रिसीव पावर के लिए वो डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर, सिग्नल्स की जो वेवलेंथ होती है उसको स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, और ताकि वो इजीली रिसीवर एंड पर गेन हो सके और ट्रांसमीटर एंटेना से फॉरवर्ड हो सके। तो आपकी जो वेवलेंथ है वो इन अ पॉसिबल विद अ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट होनी चाहिए, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आपकी जो है वो फॉरवर्ड हो विद अ शॉर्टर वेवलेंथ। जो हमने शुरू में ही फर्स्ट में ही जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा रहा था, तो उसमें ही हमने टॉपिक में वो रिलेशन पढ़ा था, इसमें चीज मेंशन थी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू सी और फ्रीक्वेंसी। जितनी आपके पास जो है वो लैम्डा छोटा होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जितना ही वेवलेंथ बड़ी होगी उतनी ही कम हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो हमारे पास वेवलेंथ जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए,
ठीक है, एंड उसकी हायर फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए किसी भी सिग्नल्स की, ताकि वो सेंडर से रिसीवर तक इजीली जाकर ट्रांसमिट हो सके। ये हमारे पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि हर्डल्स के अलावा भी हैं, जिनका हमने ज़रूर ख्याल रखना होता है कि आपका कोई पाथ लॉस ना हो, कोई अटैनुएशन ना हो, कोई फ्री स्पेस लॉस ना हो, जिसकी वजह से आपका सिग्नल्स प्रॉपर तरीके से सेंडर से रिसीवर तक ना पहुँच पाए। तो इन चीज़ों का भी, इन पैरामीटर्स का भी आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके बाद आपके सिग्नल प्रोपेगेशन की कुछ चीज़ें सामने आती हैं, जिसमें कुछ फंडामेंटल बिहेवियर आ जाते हैं प्रोपेगेशन के, कि किस बिहेवियर में आपका सिग्नल जो है वो सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसमिट होता है। इसके आगे मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई हुई है, लेकिन फर्स्ट आप ये देख लें कि आपकी जो ग्राउंड वेव होती है वो लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज़ होती है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आपके पास ट्रांसमिशन होती है वो लाइन ऑफ साइड में होती है, LOS में। तो सबसे कम जिसमें ट्रांसमिशन होती है या प्रॉपर सिग्नल जहां नहीं पहुंच पाते हैं वो ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन है। वो किस तरह से, मैं आपको बता देता हूं, उसमें आगे अब देखेंगे पिक्टोरियल फॉर्म में आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह बिहेवियर शो हो रहे हैं। तो इसमें फ्रिक्वेंसीज भी लो होती हैं, इसमें पहले आपको अर्थ की सरफेस जो है वो प्रोपेगेट करती है, फिर देन वो स्काई तक जाती है, एंड देन एयर से लेकर फिर वापस वो ट्रांसमिशन पॉइंट से आगे रिसीवर पॉइंट तक पहुंचती है। तो इसमें काफ़ी हर्डल्स होते हैं, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से चीज़ जो है वो कैरी होती है और उसकी वजह से फ्रिक्वेंसी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है। जो स्काई वेव्स हैं वो स्काई वेव्स आपके पास 2 to 30 मेगाहर्ट्ज़, मतलब ग्रेटर देन ग्राउंड वेव है, उसमें थोड़ी फ्रिक्वेंसी आपकी ज़्यादा होती है। जिस तरह ब्रॉडकास्टिंग आप कर रहे होते हैं और रेडियो का एंटीना आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप उसमें जो है वो आयनोसफेयर से रिफ्लेक्ट करके, ये आयनोसफेयर एयर में आपका एक सफेयर है हवा में, जिससे आप अपने सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट बैक करके या बाउंस बैक करके अपने स्पेसिफिक रिसीवर, जहां पर आपने डाटा को ट्रांसमिट करना है वहां पर आप डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो वेव होती है वो शॉर्टर होती है, मतलब वेव लेंथ इसकी शॉर्टर होती है, जिसकी वजह से हमें जो है वो मैक्सिमम थोड़ी हाई फ्रिक्वेंसी रिसीव होती है, ताकि वो ईजिली लॉन्गर डिस्टेंस तक फ्रीक्वेंसी को ट्रैवल करके सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकता है। इसमें फिर आगे आपके पास जो मोबाइल फोन सिस्टम में यूज होने वाला, जिस तरह सैटेलाइट सिस्टम है और कॉर्डलेस टेलीफोन्स वगैरह जिसमें यूज हो रहे होते हैं, उन सिग्नल्स के लिए फिर आपको LOS यूज करना होता है, लाइन ऑफ साइट, जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट टू स्ट्रेट आप जो है वो विद अ हाई, मोस्ट हाई फ्रिक्वेंसीज के साथ, ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसीज के साथ आप जो है वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू मैक्सिममली स्ट्रेट लाइन होता है। तो जैसे ग्राउंड वेव्स हैं, जैसे स्काई वेव्स हैं, जिसमें अप एंड डाउन और बाउंसिंग हो रही होती है, रिफ्लेक्शन हो रही होती है वेव्स की, जो जिसकी वजह से फ्रिक्वेंसीज आपकी लोअर हो जाती हैं, फ्रिक्वेंसीज कम हो जाती है, लेकिन लाइन ऑफ साइट में आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे अपने स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग फ्रिक्वेंसीज को सेंड कर रहे होते हैं एंड रिसीव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी फ्रिक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम भी नहीं रिसीव होती है। तो ये आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन है, जैसा ग्राउंड वेव आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल एक कर्व वेव है और काफ़ी दूर आपका रिसीवर एंटीना पड़ा हुआ है और ट्रांसमीटर एंटीना, इन दोनों में जब सिग्नल प्रोपेगेट होगा तो ये अलॉन्ग द अर्थ इस तरह से मूव ऑन होगा, जिसकी वजह से आपकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा लोअर फ्रिक्वेंसी होगी और वो अर्थ की सरफेस के अलॉन्ग आपका मूव कर होगा। तो अर्थ की सरफेस तो राउंड शेप में, ओवल शेप में है, तो जिस तरह से उसकी अर्थ की सरफेस की शेप है उस तरह आपके सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं विद लोवेस्ट फ्रिक्वेंसीज 2 मेगाहर्ट्ज़। उसके बाद आपके पास आ जाती है स्काई वेव प्रोपेगेशन, कि आपने अर्थ की सरफेस के अलॉन्ग नहीं करना, आपने इसमें आपकी फ्रिक्वेंसी जो है इसके अंदर आपकी वेव जो है वो शॉर्टर हो जाती हैं, लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है बनिस्बत ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के। तो इसमें आपके पास एक सफियर आयनोसफियर है, उस आयनोसफियर के अकॉर्डिंग आपके पास सिग्नल्स जो हैं वो बाउंस बैक होते हैं अर्थ की सरफेस के साथ और प्रॉपर तरीके से उसकी प्रोपेगेशन रिसीवर एंड तक होती है। तो इसमें फ्रिक्वेंसीज भी आपको मोस्ट जो है वो हाई फ्रिक्वेंसीज मिल रही होती हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वेव की बजाय स्काई वेव में थोड़ा सा हमारे पास ट्रांसमिशन जो है वो इजी हो जाता है सिग्नल का। इसके बाद एट द एंड आपके पास जो है वो लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन, इसमें सेंडर रिसीवर में इतना डिस्टेंस नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट अवे अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन आपके पास मूव कर रहे होते हैं, ना अलॉन्ग द सर्फेस मूव कर रहे होते हैं, ना आयोनोस्फीयर से वो बाउंस बैक होकर सिग्नल आते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट अवे फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर आपके पास डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है। फिर जो सिग्नल प्रोपेगेशन में आपके पास कुछ चीज़ें हर्डल्स हैं, कुछ ऐसे मैकेनिज्म हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, आपके सिग्नल्स अफेक्ट होते हैं, आपका सिग्नल्स का प्रोपेगेशन अफेक्ट होता है,
तो वो कौन कौन सी हैं, उनमें ये लिस्ट डाउन की है मैंने। फेडिंग फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होती है आपके पास, और दूसरा शेडोइंग, देन रिफ्लेक्टिंग एट अ लार्ज ऑब्स्टिकल, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिसमें आ जाती हैं। शेडोइंग में आपके पास कहीं कोई छोटा सा कोई हर्डल क्रिएट हो जाता है, कोई दीवार हो जाए या कोई भी ऑब्स्टिकल हो जाए जिसकी वजह से आपके प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। रिफ्लेक्टिंग में आपके पास बड़े बड़े लार्ज ऑब्स्टिकल आना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम जो है वो उन सिग्नल्स, उन बड़ी बिल्डिंग्स की वजह से, उन बड़े ट्रीज की वजह से आप तक सिग्नल्स प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाते हैं। और रिफ्रेक्टिंग डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और अगर सिग्नल्स कहीं किसी एक स्पेसिफिक मीडियम से पास होकर आ रहे हैं, रिफ्रैक्ट होकर आ रहे हैं, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होकर आ रहे हैं, जैसे आप देख लें कि कोई सबमरीन होती है और आपने सबमरीन तक जो है वो सिग्नल्स को प्रोपेगेट करवाना है, तो सबमरीन जो है वो बिल्कुल डिप हुई हुई है वाटर के अंदर, ओशन के अंदर, वो जो आपके पास उस तक आप अगर सिग्नल्स को पहुंचाते हैं तो वाटर के जरिए से रिफ्रैक्ट होकर, वाटर के जरिए से जो है वो उस मीडियम के जरिए आप सिग्नल्स को पहुंचाएगा, जिसमें उस रिफ्रैक्शन की वजह से आपकी जो है वो डेंसिटी के ऊपर मीडियम के डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है। अगर वो ज़्यादा डेंस है आपके पास मीडियम, तो इट्स मीन कि आपकी सिग्नल्स की प्रोपेगेशन काफ़ी ज़्यादा वीक होगी। अगर वो कम डेंस है तो ऑलमोस्ट आपकी प्रोपेगेशन ईजिली परफॉर्म हो सकेगी सिग्नल्स की। स्कैटरिंग एंड स्मॉल ऑब्स्टिकल, अगर आपको छोटे छोटे कहीं ऑब्स्टिकल नज़र आते हैं, और उन ऑब्स्टिकल जैसे आपकी ये साइन बोर्ड नज़र आ रहा है स्टॉप का, उनकी वजह से जो आपके पास स्कैटरिंग होना शुरू हो जाती है, आपके सिग्नल्स जो प्रॉपर एक वे में आ रहे होते हैं वो बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, उनकी वजह से आपके पास सिग्नल जो है वो प्रोपेगेशन में प्रॉब्लम दे सकते हैं। एंड सेम इसी तरह आपके पास अगर माउंटेन्स हैं या कहीं कोई एजेस वगैरह कहीं डिफाइन हो रहे हैं जहाँ से सिग्नल्स पहुँच रहे हैं, तो उन एजेस के ऊपर आपके पास डायफ्रेक्शन हो रही है, तो वो जिस स्पेसिफिक पॉइंट पर सिग्नल्स ने जाकर प्रोपेगेट होना है, से रिसीव होना है, वहाँ तक नहीं पहुँचता और वहाँ से उस पाथ से वो डायफ्रेक्ट हो जाता है, वो फैल जाता है, जिसकी वजह से सिग्नल्स जो है वो पॉइंट पे जाकर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं और वो एजेस से टकरा कर स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको सिग्नल्स में प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें थी, जिस तरह से रियल लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्जीक्यूट हो रही होती हैं सिग्नल्स की प्रोपिगेशन में, सिग्नल्स को प्रॉब्लम्स देने में, सिग्नल्स आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन सिग्नल्स में आपके पास मोस्ट हार्डली सिचुएशन क्रिएट होती है, उन सिचुएशन को फॉलो करना, उन सिचुएशन को लेकर चलना, सेंडर से रिसीवर एंड तक सिग्नल्स को प्रोवाइड करना, तो वो ऐसी बहुत सी एडिशनल चीज़ें हैं जिनकी वजह से एटेन्यूएशन होती है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, जिनमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ जाती हैं, माउंटेन्स आ जाते हैं, स्काई स्क्रैपर्स आ जाती हैं, और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो फिर ड्राइविंग में आपको फिर प्रॉपर पॉइंट नहीं मिल पाता, सिग्नल्स को प्रॉपर पाथ नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आप तक सिग्नल प्रॉपरली पहुंच सकें और आपकी जो सेलुलर डिवाइस है, जो मोबाइल डिवाइस है, वहां तक आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए से सिग्नल्स आपको प्रॉपरली नहीं पहुंच पाते हैं। तो कुछ ऐसे बहुत से अफेक्टेड एडिशनल इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है सिग्नल्स की प्रोपिगेशन में, और उन सिग्नल्स की प्रोपिगेशन की वजह से फिर आपको डिफरेंट जो है वो ब्लॉकेजेस का, डिफरेंट हर्डल्स का, ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स और डिफरेंट चीज़ों से सिग्नल्स रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर वो ओवर द सर्फेस आपके पास सेंडर से रिसीवर तक जो है पहुँच रही होती हैं, जिसमें अगर आप देखें, कोशिश करें तो LOC को देखें, जो पीछे हमने LOS को देखें, जिसमें हमने पीछे देखा लाइन ऑफ स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास सेंडर से रिसीवर तक सिग्नल पहुंच रहे हैं, तो उनमें कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको प्रॉब्लम देगी, अगर उन सिग्नल्स को हम उन एरिया से दूर रखें, उन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ सिग्नल को, प्रोपिगेशन ऑफ वेव को, LOS को, अगर हम उनको दूर रखते हैं तो हमारी प्रोपिगेशन फ्री हो जाती है, और ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन है जब आप स्पेस में हैं। स्पेस के अलावा अगर आप कहीं भी हैं तो आपको लाजमन किसी ना किसी ऑब्स्टिकल, किसी ना किसी बिल्डिंग का या किसी ना किसी हर्डल का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी फ्रिक्वेंसीज पे अफेक्ट आएगा सिग्नल्स की, जिसकी वजह से आपके सिग्नल्स की प्रोपेगेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगी और आप तक कोई भी डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए से नहीं पहुंच पाएगा। ये कुछ इमेज व्यू था मल्टीपाथ प्रोपेगेशन का, कि जिसमें मल्टीपाथ प्रोपेगेशन क्या है, अब आपके पास पाथ जो है, एक सिग्नल जब ट्रांसमिट हो रहा है तो वो डिफरेंट पाथ से टकरा कर, जैसे आप ये एंटीना देख रहे हैं जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो वो एक कार में एक बंदा अगर बैठा हुआ है और उस सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है, तो वो किस तरह से कौन से मल्टी पाथ से ट्रांसमिट होकर सिग्नल्स को देखते हुए आप तक वो पहुंचेंगी, और डिफरेंट उसमें फिर हर्डल्स होंगे, डिफरेंट स्कैटरिंग का अमल होगा, उसमें रिफ्लेक्शन का अमल होगा, डायफ्रेक्शन होगी,
तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी सिग्नल्स के प्रोपेगेशन में। तो मल्टी पाथ प्रोपेगेशन आपको ये चीज़ें देता है कि आप तक जब सिग्नल सेंडर से रिसीवर तक आता है तो वो बिकॉज ऑफ प्रॉपर वे किस वजह से होता है कि उसमें ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। एक तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से सिग्नल्स आप तक पहुँच रहे हैं, कुछ स्कैटरिंग की वजह से पहुँच रहे हैं, कुछ डायफ्रेक्शन की वजह से, डायफ्रेक्शन ऑन एजेस, एजेस जहाँ उनको मिलेंगे उन एजेस के ऊपर वो आपके पास पहुंचेंगे सिग्नल्स, स्कैटरिंग कहीं किसी चीज़ से टकरा कर स्कैटर्ड होकर आप तक पहुंचेंगे या किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर आप तक सिग्नल पहुंचेंगे। वायरलेस कम्युनिकेशन है, वायरलेस ऑल इन डायरेक्शन मूव ऑन हो रहे होते हैं, इसमें कोई पाथ आइडेंटिफाई नहीं होता, कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता जिसके अकॉर्डिंग वो मूव ऑन हो सके, विदाउट मीडियम मूव कर रहे होते हैं, किसी भी मीडियम के अलावा मूव कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उनका पाथ आइडेंटिफाई नहीं होता। तो मल्टी पाथ में फिर वो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं और इन चीज़ों के सहारे से वो फिर आप तक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं।